पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा बुधवार सुबह पाकिस्तानी वायुसीमा का उल्लंघन करने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार दोपहर को मीडिया के बीच आए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान मार गिराया। कार्रवाई के दौरान हमारे में 21 लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ। एक पायलट लापता है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी विमान F-16 विमान को ध्वस्त कर दिया गया है। विमान में सवार पायलट की मौत हो गई है। यह कार्रवाई वायुसेना नौशेरा के लाम वैली के पास बताई जा रही है। पाकिस्तानी विमान को ध्वस्त करने की पुष्टि भारतीय वायुसेना द्वारा की गई है। वहीं पाक मीडिया ने बताया कि भारतीय वायुसेना के दो विमानों को निशाना बनाया गया है। एक पायलट को अगवा कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा मंगलवार को पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसमें लगभग 300 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसके बाद से ही सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया था। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कायराना हरकत करते हुए भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया है। इसके बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तीनों सेना प्रमुखों को अलर्ट कर दिया गया है। बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों से लगी सीमा पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जम्मू कश्मीर की एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। इधर लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और पठानकोट के एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा कारणों से इन जगहों पर एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इसी बीच सेना ने अमृतसर का एयरपोर्ट खाली करवा लिया है। साथ ही व्यावसायिक विमानों को फिलहाल रोक दिया गया है। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते बुधवार सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना में घुसकर वायुसीमा का उल्लंघन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में ये विमान घुस गए थे, किंतु भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई कर दुश्मनों के विमानों को खदेड़ दिया है। इसके बाद ये विमान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लौट गए थे। एएनआई के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजौरी सेक्टर में भी बम गिराए हैं। हालांकि कोई हताहत की जानकारी नहीं है। इस घटना के बाद देश की सीमाओं में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इधर पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत के दो लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। भारत में जो विमान क्रैश हुआ है उसे पाकिस्तान अपने एक्शन के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि जो भारतीय विमान क्रैश हुआ है वह पाकिस्तानी निशाने पर था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर दावा किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के दो विमानों को निशाना बनाया है, जिसमें एक विमान को मार गिराया गया जबकि भारत के एक पायलट को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पीओकी में घुसकर जैश ए मोहम्मद के कैंपों को तबाह कर दिया था। आतंकियों पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार भारत को गीदड़ की तरह धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की धमकी के बाद अब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने तीनों सेना प्रमुखों को तैयार रहने के लिए कहा है। पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति NSC की बैठक के बाद जारी बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम जल्द प्रतिक्रिया देंगे और जगह और फैसला हमारा सैन्य नेतृत्व तय करेगा। इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को आपात बैठक बुलाकर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की रणनीति पर विचार किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तानी को चुनौती न दे। उनका कहना है कि भारत को समझदारी से काम लेना चाहिए। कुरैशी ने देशवासियों से कहा कि उन्हें भारतीय कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान सेना हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार है। हालांकि भारतीय सेनाओं और CRPF को हाई अलर्ट कर दिया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.